हाय गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मैं हूं आपकी दोस्त अनुप्रिया और आज की वीडियो ना बहुत ज़्यादा स्पेशल है। वैसे तो टाइटल से आपको पता चल गया होगा कि किस तरीके से आप अपने बच्चों का सिर्फ 2 दिन में अंगूठा छुड़वा सकते हैं, पर ये ट्रिक मैं पहले ही बता दूँ, ये सिर्फ 3 से 4 साल के बच्चे के लिए काम करेगी, उससे बड़े बच्चों के लिए ये शायद ट्रिक काम ना करेगी। तो सबसे पहला जो है मैं आपको बता दूं कि बच्चे अंगूठा क्यों चूसते हैं। बच्चे, मेरी बेटी भी अंगूठा चूसती थी और मैंने सिर्फ 2 दिन में उसे ये अंगूठे छोड़ने की आदत जो है अंगूठा छुड़वा दिया था। तो कैसे क्या कैसे बताती हूँ, मेरी बेटी का फेज शुरू हुआ था कि वो अंगूठा 3 महीने के बाद पीना उसने स्टार्ट किया था। पहले हल्के हल्के फिंगर लेती थी। 3 महीने के बाद क्यों लेना शुरू किया था, इसका रीज़न बहुत सारे हो सकते हैं। उसे टीदिंग हो सकती है, दूसरा उसका क्या कहते हैं, टीदिंग के कारण जनरली बच्चे करते हैं। वैसे बोलते हैं 6 महीने के बाद टीदिंग आता है। मेरी बेटी ने 4th मंथ में ही दांत निकालना शुरू कर दिया था, उसका नज़र आने लग गया था टीथ, तो उसको टीदिंग होनी शुरू हो गई थी। एंड 4 मंथ के एंड में ही उसने अपना फर्स्ट टीथ निकाल लिया था, तो इसीलिए उसने थंब लेना शुरू किया था। और दूसरा रीज़न होता है सिक्योरिटी। अब सिक्योरिटी क्या होती है, वो खुद को काम डाउन करने के लिए अंगूठा पीती है। क्योंकि मेरी बेटी जो है वो बॉटल फीड के ऊपर थी, तो उस दौरान जो है मैं अपने होम टाउन में थी, तो जनरली वो दादी के पास रहती थी और मैं थोड़ा बहुत जो काम करना होता था वो कर लेती थी, क्योंकि दादी उसकी पकड़ लेती थी उसको। तो वो घर का काम करने में उसको ये होता था कि मेरी मम्मी मुझे छोड़कर चलेगी, शायद इस वजह से वो थम सकिंग करती थी खुद को काम डाउन करने के लिए। जनरली उसका फेज ये शुरू हुआ था जब मैंने डॉक्टर से कंसल्ट किया, तो डॉक्टर ने बोला ज़बरदस्ती मत करो इसके साथ, अगर खुद छोड़ती है तो ठीक है, अदरवाइज जो है इसके साथ ज़बरदस्ती अभी मत करो। 4-5 साल की एज में आके बच्चा खुद छोड़ देता है। मैंने और भी काफ़ी सारे लोगों के साथ कंसल्ट किया तो उन्होंने भी यही चीज़ बोली। धीरे धीरे टाइम बीतता गया, 1 साल हुआ, मेरी बेटी ने जनरली जब वो इधर उधर एक्सप्लोर करने लगी, चलने लगी, तो उसने धीरे धीरे करके अंगूठा चूसना कम कर दिया। वो सिर्फ सोते हुए अंगूठा लेती थी, जब कहीं उसको नींद आई है या बहुत एक्सट्रीम भूख लगी है। मेरी बेटी की एक आदत थी कि उसको कितनी भी भूख लगी हो वो रोती नहीं थी, वो अंगूठा सक करती थी। जनरली माँ को पता चल जाता है कि बच्चे को भूख लगी है, तो मैं उसे इमिजिएटली भूख मतलब उसको कुछ खाने को दे देती थी या फिर उसे दूध पिला देती थी, तो वो इजीली जो है थम सकिंग उसने धीरे 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 करते हुए बिल्कुल कम कर दिया। लेकिन अभी भी ये टाइम आया कि उसको सोते हुए अंगूठा चाहिए था। अब ऐसे करते करते 2 साल बीत गए। 2 साल मतलब अभी उसका बर्थडे भी है, मतलब वो अभी 22 मंथ्स की है, तो 22 मंथ्स के टाइम पे अब मुझे लगा अब तो ये 2 साल के होने वाली है, अभी उसको स्कूल भी जाना होगा 2.25 साल में, तो अभी मैं क्या करूँ, मुझे अंगूठा तो इसका छुड़वाना है। तो स्कूल मतलब जो प्ले विंग होता है, प्ले ग्रुप होता है, उसमें डालने के लिए, तो तब मुझे अंगूठा छुड़वाना था। तो मैं अभी अपने होम टाउन में मैंने बहुत रिसर्च किया, बहुत ज़्यादा, जहाँ पे हम इसे डॉक्टर को दिखा रहे थे उसने बिल्कुल भी रिकमेंड करने से मना कर दिया। मेडिसिन उसने बोला खुद छोड़ देगी, क्यों बेचारी पे टॉर्चर कर रहे हो, छोड़ दो कोई नहीं। पर मैंने ऑब्जर्व किया कि मेरी बेटी का जो अपर लिप है वो थोड़ा थोड़ा बाहर आने लग गया है, एंड उसका थंब यहाँ से पूरा ऐसे कटने लग गया है, और कई बार अब दांत आ गए थे तो अंगूठा दांत में ही मतलब जैसे मुंह में ही रह जाता था रात के समय, तो यहाँ से उसके कट हो गए थे, जख्म पड़ गए थे, और अंगूठे का साइज जो है वो पतला मोटा हो गया था, मतलब जहाँ से वो राइट हैंड का करती है तो वो बहुत ज़्यादा थिन हो गया है। तो ऐसा करते करते मुझे बहुत सारा टेंशन होने लग गया कि मुझे कुछ तो करना है। हर रोज़ मैं यहाँ पे हाथ पे दवाई भी लगाती हूँ तो भी उसको फ़र्क नहीं पड़ता है। तो मैंने माई द्विजा चैनल का वीडियो देखा जिसमें वो अपनी बेटी का एक्सपीरियंस कर रहे थे, डॉक्टर वाला नहीं, जो अब रिसेंट डाला है उसकी बात नहीं कर रही मैं, पहले वाला वीडियो देखा था। तो उसमें उन्होंने एक दवाई रिकमेंड किया था और मैंने वो दवाई मंगवाई। तो ये है फिरमिट मेडिसिन है, ये आपको किसी भी मेडिकल स्टोर पर मिल जाएगा। ये दवाई लोकली जो है ये स्पेशली जो बच्चे एडल्ट्स भी नेल बाइटिंग करते हैं या फिर थंब सकिंग करते हैं तो उनके लिए है ये,
और ये दवाई मैंने पहले जब मैं लेकर आई मेरा दिल नहीं किया, मैंने वो भी ट्राई किया था। मैंने जो वो बोलते हैं ना हाथ का जो अमेजोन पे मिलता है कवर कि बच्चे के हाथ में लगा दो 6-7 महीने के और वो थंब सकिंग छोड़ देता, मेरी बेटी ने तो उसको निकाल के ही फेंक दिया था, तो वो तो काम किया नहीं। उसके बाद जो बोलते हैं कि हाथ पकड़ के बैठ जाओ, बच्चे माँ से हाथ नहीं उठाते, मेरी बेटी बहुत जोर जोर से चिल्लाती थी, तो वो ट्रिक भी काम नहीं गई। उसको डिस्ट्रैक्ट करने का भी ट्राई किया, नहीं हुआ। स्टोरी टेलिंग भी की, नहीं हुआ। तो एंड में मैंने ये हार कर ये दवाई लगाई। जब मैंने फर्स्ट टाइम उसके हाथ में लगाई तब तक मैंने ट्राई नहीं किया, तो मुझे लगा था ज़्यादा ज़्यादा क्या होगा। उसने मुँह में डाला, वो उसने ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना शुरू कर दिया कि कड़ मम्मा पानी, तो मैंने उसको पानी दिया, तो उसका फिर भी नहीं हुआ। फिर मैंने जो टॉवल होता है उससे उसकी टंग को क्लीन किया, कुल्ला करवाया, टंग को क्लीन किया, तब जाके वो हुआ। पर उसने क्या हुआ, फर्स्ट डे तो उसने 5-6 बार ऐसे मुंह में डाला और निकाल दिया, 5 बार मुंह में डाला और निकाल दिया, और एंड में वो मुंह में डाले बिना ही मेरे को हाथ देकर वो रोते रोते सो गई। उसको सोने में जहाँ वो 5 या 7 मिनट में सो जाती है वहाँ आधा घंटा लगा, पर बहुत रोई, वो गोदी से उतरी नहीं और वो सो गई। और वो सोते सोते भी जब भी मुंह में डालती और गंदे गंदे मुंह में डालती थी, तो मेरे पास वो क्लिप्स नहीं है क्योंकि मैंने शूट नहीं की थी, क्योंकि उस दिन मेरा ध्यान उस टाइम पे वहीं पे था। तो वो दवाई मैंने लगाई थी फर्स्ट डे पे, मैंने उसको तीन तीन बार दवाई लगाई थी। जो फर्स्ट दोपहर में वो स्कूल से आई थी, खाना वगैरह उसको खाया, 1 घंटा हो गया था। खाने के टाइम में मत लगाइएगा क्योंकि वॉमिट हो जाएगी, इतनी कड़वी दवाई है। फिर मैंने अपने अंगूठे पे लगा कर देखी और मैंने मुंह में डालकर देखा, वो इतनी कड़वी दवाई है कि आपका पूरा मुंह कड़वा हो जाएगा, आप जिस चीज़ को छूओगे वो भी कड़वी हो जाएगी, वो इतनी कड़वी दवाई है। तो उसने जब मुंह पे सोए सोए लगाया उस दिन, उसने दूध भी नहीं पिया, वो जनरली सोते हुए दूध पीती है, तो वो दूध भी नहीं पिया। पर इट्स ओके, एक एक दो दिन आप मैनेज कर सकते हैं दिल पे पत्थर रख के। तो फिर अगर आपको ये छुड़वाना है तो देन वो उठी, उठ के वो वैसे जनरली अंगूठा वगैरह नहीं लेती है, तो उसका मुंह वगैरह मैंने वॉश करवाया, कुल्ला करवाया। उसके बाद उस दिन उठने के बाद उसने कुछ भी नहीं खाया, 2 घंटे बाद उसने खाना खाया, और रात को सोते समय फिर दोबारा वो अंगूठा ले रही थी, तो मैंने ये मेडिसिन लगा दी। वो रोती रही, आधा पौना घंटा रोई, उसके बाद रो रो के सो गई। फिर उसके बाद अगेन मैंने उसके टंग वगैरह, क्योंकि रात के समय वो बहुत गहरी नींद में सोती है, तो उसके टंग वगैरह कॉटन से क्लीन करके मैंने उसको दूध पिला दिया। नेक्स्ट डे फिर वो स्कूल गई, वो ठीक से आई, दोपहर में आई, उसने फिर से लिया, तो उस दिन मैंने थोड़ा सा लगाया और उसके बाद उसने मुंह में थोड़ा सा लिया, उसके बाद उसने अंगूठा नहीं डाला। देन रात में वो लगाने लगे, पी लेने लगी, तो मैंने बोला मैं दवाई लगा रही हूँ तो तुम अंगूठा मत पीना। तो उसने अंगूठा आई गेस 2 दिन मैंने लगाया था, पर वो सो गई थी, उसने अंगूठा लिया नहीं। थर्ड डे आया तो मैंने जैसे ही वो मेडिसिन उसके, मैंने बोला वो अंगूठा लेने लगी, मैंने मेडिसिन लगाऊँ, बोली नहीं मम्मा बू मम्मा नहीं नहीं तो ऐसा करके उसने अंगूठा नहीं लिया और छोड़ दिया। देन रात में अगेन उसने वही अंगूठा लेने की ट्राई की, लेकिन मैंने बोला मैं मेडिसिन लगा रही, तो बोलती है नहीं मम्मा नहीं लगा दी, क्योंकि बच्चे के दिमाग में ये चीज़ बैठ जाती है कि वो बहुत ज़्यादा कड़वी है, अगर मैं अंगूठा लूंगी तो ये जो है बहुत ज़्यादा लग जाएगी। अब रात को सोते सोते भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है, बच्चों की आदत होती है वो सोते सोते भी अंगूठा मुंह में डाल लेते हैं क्योंकि आदत तो जाती नहीं है। तो जैसे ही वो लेने लगे आपको उसको बोलना है कि सोते सोते भी बच्चों का सबकॉन्शियस माइंड चल रहा होता है, उसे बोलो कि मैं दवाई लगा दूंगी, वो अंगूठा इमिजिएटली निकाल देती है और उसके बाद नहीं लेती है। अभी भी 1 महीना हो चुका है, बीच बीच में रात के समय मिड ऑफ द नाइट जब वो बहुत गहरी नींद में होती है तब वो लेने का ट्राई करती है, मैं हाथ से अंगूठा निकालती हूँ और दोबारा ट्राई करती है, देन मैं बोलती हूँ कि मैं दोबारा मैं मेडिसिन लगा दूंगी इवा, तो वो नहीं उसको लेती है और वो आराम से सोती है। अभी वो उसको कितनी भी नींद आई हो वो गोद में आएगी और सो जाएगी, लेकिन वो अंगूठा अब नहीं लेती है। इसकी एक और चीज़ है कि अगर वो कोई ऐसा, जैसे बच्चे आजकल वो डे केयर में जाती है थोड़ी देर के लिए, स्कूल बैठना सीख गई क्योंकि जून से सेशन शुरू हो जाएगा, तो जैसे ही नर्सरी मतलब प्ले ग्रुप का सेशन शुरू हो जाएगा तो वहाँ पे उसको डालना है, तो उसे बैठना सिखा रहे हैं डे केयर में। तो जैसे ही जैसे स्कूल में उससे बच्चे आते हैं ना, तो वो बहुत ज़्यादा बहुत सारी चीज़ें गलत भी सीख के आते हैं, अच्छी भी सीख के आते हैं। तो गलत चीज़ वो ये सीख कर आई थी कि वो थूक फेंकना शुरू कर दिया था उसने, तो मैंने अभी उसको बोला कि अगर वो अब जैसे करती है तो मैं उसको बोलती हूँ कि अगर तुम ऐसे करोगी तो मैं दोबारा से मैं तुम्हें मेडिसिन लगा दूंगी, वो भी माउथ के अंदर।
तो वो करना ही इमिजिएटली बंद कर देती है, उसको इतना खौफ हो चुका है इसका। देखिए मिर्ची वगैरह लगाना ठीक है, पहले बोलते थे कि मिर्ची लगा दो, मुझे मिर्ची सही नहीं लगती है क्योंकि मिर्ची बहुत ज़्यादा तेज़ होती है और बच्चों के ऊपर वो टॉर्चर हो जाता है। एंड सेकेंड चीज़ कि आप कड़वा रस लगा सकते हैं, जैसे कि करेले का रस ट्राई कर सकते हैं अगर बच्चा उससे कंफर्टेबल होता है। नीम का रस लगा सकते हो क्योंकि वो भी बहुत ज़्यादा कड़वा होता है, मेडिसिन से ज़्यादा सेफ होता है। मेरी बेटी ने तो उसको पानी में हाथ धो दिया था, तो उसको मम्मा छींची या दादी छींची है करके उसने वहाँ से क्लीन कर दिया था, तो वो तो मेरे लिए काम किया नहीं था। आप ट्राई कर सकते हैं, शायद आपके बच्चे के ऊपर काम कर जाए। अब यहाँ पर इस दवाई का मैं बताती हूँ, ये 3 साल के या 4 साल के बच्चे के लिए सिर्फ काम करेगा। 4 साल से बड़ा बच्चा है तो उसको काफ़ी ज़्यादा समझ आ जाती है, काफ़ी चीज़ों का पता चल जाता है। जैसे मेरी हाउस हेल्प का बेटा भी थम्बसकिंग करता था, तो मैंने उसको एक मेडिसिन ला कर दी थी ये वाली, तो उसने वो 6 साल का है और उसको उसने लगाया तो उसने जाके हाथ धो दिया था, क्योंकि वो बड़ा हो गया, वो स्मार्ट है, उसको पता है कि किस तरीके से इसे निकालना है। तो उस पर शायद ये काम ना करे, लेकिन बाकी लोगों पे ये काम कर जाता है, छोटे बच्चों पे काम कर जाता है क्योंकि उनके सबकॉन्शियस माइंड में पड़ जाता है। ये 9 ml का है और ये जो प्रोडक्ट है 245 rupees का है। आप इसकी स्क्रीनशॉट लेके फोटो केमिस्ट पे दिखा सकते हैं और वहाँ से ले सकते हैं। मैं आपको मेडिसिन भी दिखा देती हूँ। इस तरीके की नेल पेंट जैसी कंटेनर में आता है और इस तरीके का नेल पेंट जैसा ही ब्रश है। आपको जस्ट इस तरीके से अंगूठे पे फैलाना है और आगे पीछे दोनों साइड पे, और मैं आपको लगा के बता देती हूँ। आपको इस तरीके से, अगर आपके कोई बड़ा है जो नेल बाइटिंग वगैरह करता है तो आप उनके भी यहाँ पर लगा सकते हैं और छोड़ सकते हैं। तो इस तरीके से आपको इसे लगा देना है और 1 मिनट में ड्राई हो जाता है, और जैसे ही आप वो मतलब लेंगे तो बच्चे वैसे ही छोड़ देंगे। जैसे ही बच्चा ऐसे थंब में डालने लगता है तो ये इतना कड़वा है कि वो चिल्लाना शुरू कर देंगे। तो ये बहुत काम की चीज़ है, तो आप ट्राई कर सकते हैं, आप ट्राई करके देख लीजिए। मैंने भी ट्रायल के लिए ही मंगाया था क्योंकि सारी चीज़ें फेल हो गई थी, तो मैंने इसलिए मंगवाया था। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत काम की चीज़ है। एक बार मैं थंबनेल पे भी डाल दूंगी, तो आप 2-3 दिन में ही आपका बच्चा अंगूठा पीना बिल्कुल छोड़ देगा, ये मेरी गारंटी है। तो बाकी वीडियो अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, ऐसे और वीडियोस देखना चाहते हैं या कोई प्रॉब्लम या क्वेरी हो तो कमेंट्स में पूछ सकते हैं। बाकी मिलती है फिर आपसे एक नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।